हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे ढाबे वाली दम अरबी। दम आलू तो आप लोगों ने बनाई होगी, लेकिन दम अरबी बना के देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ढाबे में इसी तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने आधा किलो अरबी को बॉयल करके इसके छिलके निकाल दिए हैं। अरबी को ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा गली हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दम अरबी अच्छी नहीं बनेगी। इसमें हम थोड़ा मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच में धनिया पाउडर डालूंगी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधी चम्मच जीरा पाउडर डालना है, उसके बाद नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। सारे मसाले डालने के बाद अब मिला देंगे मसालों को अरबी के साथ। अच्छे से कोट करना है। आप इसी तरीके से अरबी की सब्जी बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत टेस्टी बनती है। मैंने सारे मसाले को अरबी में लगा दिया है। अब इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो मैंने बाकी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये प्याज है एक कटा हुआ, ये आधी कटोरी दही है जिसे मैंने फेंटा हुआ है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, और हरी मिर्च है जिसे मैंने कूट लिया है, और साथ में मैंने ये मूँगफली का पाउडर है जिसे मैंने रोस्ट करके पीस लिया था। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें 3-4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इस सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाना है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें जो अरबी हमने मैरिनेट के लिए रखी हुई है उसे डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे आराम से, नहीं तो तेल के छींटे भी आ सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल ऐसे ऊपर आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सारे अरबी को हम डालने के बाद थोड़ी देर पकने देंगे, 5 मिनट के लिए। वैसे तो ये पकी हुई है, तो दम अरबी बना रहे हैं तो इस तरीके से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सारी अरबी को इसमें डाल दिया है, पैन में डाल दिया है। 5 मिनट बाद हम इनको पलट देंगे। सारे अरबी को ऐसे ही एक एक करके पलटना है, उसके बाद 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। ये देखिए अरबी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। ये आपको दिखाती हूँ मैं एक निकाल के, ये देखिए, ये खाने में भी इतने ही टेस्टी बनते हैं। अब मैं सारे अरबी को ऐसे एक एक करके निकाल दूँगी, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो मैंने सारे अरबी को निकाल दिया है, ये देखिए। अब मैं पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच साबुत जीरा डालना है, उसके बाद इसमें डालेंगे हम कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहेंगे चलाते हुए, उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर फ्राई होने देंगे, जब तक इसका भी कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ये 2 हरी मिर्च हैं जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, इसे भी एक बार चला देंगे। अब इसमें 1 टमाटर डालेंगे जिसे मैंने काटा हुआ है, उसके बाद टमाटर डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। टमाटर डालने के बाद नमक डालने से टमाटर जल्दी से पकते हैं। उसके बाद इसमें 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डालना है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। अब सारे मसाले को मिला देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। जब सारे मसाले के ऊपर से तेल आने लगेगा तो ये मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ मूँगफली जिसे हमने पाउडर बना के रखा हुआ है, इसे मिला देंगे अच्छे से। मूंगफली डालने से इस दम अरबी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ड्राई लग रहा है, उसके बाद थोड़ी देर और पकने देंगे। मूंगफली का पाउडर डालने के बाद भी मसाले को अच्छे से पकाना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे फेंटा हुआ दही। दही डालने के बाद और पका लेंगे, पूरा मिक्स करेंगे, उसके बाद इसे पकने देंगे करीब 5 मिनट के लिए।
जब ये मसाला अच्छे से घुल जाएगा दही में, ये देखिए कलर काफ़ी चेंज हो गया है, दही और मसाला अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अरबी जिसे हमने फ्राई करके रखा हुआ है। अरबी डालने के बाद एक बार मसाले को अरबी में मिला देंगे, चलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद हम इसमें ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट बाद हम ढक्कन खोल देंगे। ये देखिए पैन से मैंने ढक्कन निकाल दिया है, दम अरबी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी दम अरबी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।